सो हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। गाइस आरडी ऑटोमोबाइल फ्री टू चैनल में आपका स्वागत है। गाइस इंडियन टू व्हीलर्स मार्केट में स्मॉल सेगमेंट के अंदर रेट्रो स्टाइल बाइक एक भी नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी सारे रेट्रो स्टाइल बाइक है, जैसे कि होंडा के सी B150R, यामा के XSR 155। और इसीलिए बहुत ही जल्द TVS कंपनी ने रेट्रो स्टाइल बाइक इंडियन टू व्हीलर्स मार्केट में लॉन्च करने वाला है। और ये बाइक होंडा सी B150R एंड यामा XSR 155 की कमी को पूरा कर सकते हैं। और इसीलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा यानी कि 6 जुलाई तक, क्योंकि गाइस 6 जुलाई को TVS कंपनी ने अपनी रेट्रो स्टाइल बाइक को लॉन्च करने वाला है। और ये बाइक लॉन्च होते ही इंडियन मार्केट में धमाल मचा देगी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे TVS के तरफ से आने वाले लोअर सेगमेंट की रेट्रो स्टाइल बाइक के बारे में। तो गाइस, अगर आप आने वाले टाइम में कोई रेट्रो स्टाइल बाइक परचेस करने का प्लान बना रहे हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में हम इस बाइक के बारे में सब कुछ जानेंगे, जैसे कि बाइक का इंजन, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स एंड प्राइस के बारे में। तो गाइस वीडियो को बिना स्किप करे जरूर एंड तक देखना। और आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि गाइस कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस न हो पाए। तो चले गाइस बिना टाइम वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले आपको बता दूं, एक रेट्रो स्टाइल क्रूजर टाइप की बाइक होने वाला है और इस बाइक का नाम होने वाला है TVS रनिंग 225। इंजन ऑप्शन के बारे में बात करें तो बाइक का अंदर 223 cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिल जाएगा। और इस बाइक में 20 BHP मैक्सिमम पावर एंड 20 Nm पीक टॉर्क देखने को मिलेगा। और इस बाइक के अंदर आपको 5-speed गियरबॉक्स सेटअप देखने को मिल जाएगा। गाइस फीचर्स के बारे में बात करो तो इस बाइक के अंदर आपको ऑल LED लाइट सेटअप देखने को मिल जाएगा। इस बाइक का हेडलाइट का इमेज लीक हुआ है, जिससे पता चलता है इस बाइक के फ्रंट में आपको राउंड शेप LED हेडलाइट देखने को मिल जाएगा और साथ में T-shaped LED डायोड्स देखने को मिलेगा, जो कि देखने में काफ़ी शानदार लग रहा है। और इस बाइक के इंडिकेटर्स लाइट आपको LED में देखने को मिल जाएगा और साथ में टेल लाइट आपको LED में देखने को मिलेगा। इस बाइक में आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन फीचर्स देखने को मिल सकता है। और इस बाइक में आपको राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाएगा। सस्पेंशन के बारे में बात की जाए तो इस बाइक का फ्रंट में आपको गोल्डन कलर USD सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा और रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो इस बाइक के फ्रंट एंड रियर में आपको डिस्क ब्रेक सेटअप देखने को मिल जाएगा और साथ में डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गाइस 225 cc का बाइक होने वाला है और इसीलिए इस बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा। और इस बाइक का सीट काफ़ी लो होने वाला है, जिसकी वजह से शॉर्ट राइडर को ये बाइक ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो गाइस 6 जुलाई को ये बाइक ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है। और फाइनली प्राइस के बारे में बात करते हैं, इस बाइक का एक्सपेक्टेड एक्सोन प्राइस 1,50,000 से लेकर 1,60,000 के आसपास हो सकता है। सो गाइस ये बाइक लॉन्च होते ही बजाज की एवेंजर 220 और रॉयल एनफील्ड मीटर 350 इन बाइक्स को कारी टक्कर देगा। सो गाइस TVS के अपकमिंग रेट्रो स्टाइल क्रूजर टाइप के बाइक के बारे में जानकारी आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि गाइस कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सबसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।